को तय करेगा, मैं इसको करने वाला, मैं भी उसमें एक प्रतिभागी हूँ, मैं आपकी बात को वहाँ पर रखूँगा। तो मैंने थोड़ी और, जैसे मछली को दाना फेंकने वाली बात होती है, मैंने थोड़ी सी कटिया अपनी और ढीली की। मैंने कहा, क्या आप जानते हो कि हमारे ज़िले में बाबा संत कीना राम ने तपस्या की थी, और बहुत दूर नहीं, यहीं पास में कंडा कोट की पहाड़ी है, और वहीं पे संत कीना राम ने तपस्या की थी। तो मैं आपको उस संत की तपस्थली के बगल में आपको जगह दिला दूंगा, और वो महाविद्यालय मेरा अपना महाविद्यालय होगा। आप ये मान के चलिए कि जिलाधिकारी अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि जिससे कि आपको वहाँ पर महाविद्यालय स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कहा, ऐसा पॉसिबल है? हमने कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। आप जाइए, अपने लोगों को बताइए कि हमें संत कीना राम की तपस्थली के बगल में ही महाविद्यालय बनाना है। हमारे डॉक्टर गया सिंह जी बड़े काफ़ी, जैसा कि अभी गोपाल सिंह जी ने कहा, बड़े हठी भी हैं, बड़े तुरंत तुरंत किसी भी चीज़ को कहे उसको काम करने वाले होते हैं। गए और जा करके कुछ 10 दिन के बाद लौट करके आए, और जब दूसरी बार लौट करके आए तो वो मुझसे मेरे कार्यालय में मिले। ये भी आपको साथ ध्यान होगा कि मेरे कार्यालय में मिले, और मेरे कार्यालय में जब आए तो उन्होंने कहा, साहब एक बड़ा शुभ समाचार है। हमने कहा, क्या? तो हमारे जो हमारा जो एक्चुअली बोर्ड है, या हमारा जो ऊपर का जो जो भी संस्था का नाम हो, उन लोगों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि हम इसको कंडा कोट की पहाड़ी के नीचे ही महाविद्यालय बनाएंगे। मैंने कहा, डॉक्टर गया सिंह जी बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसा भी लेके आए साथ में? उन्होंने, पैसा क्या करेंगे? हमने कहा, चलिए अब आपकी रजिस्ट्री करा देता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, पैसा वैसा तो लेके नहीं है, मैं आपको शुभ समाचार देने आया था, और उसके पहले ही मैंने इनकी जगह तय करा चुका था मैं। अगर आपको स्मरण होगा, हमारे अपर जिलाधिकारी हुआ करते थे चौरसिया जी, मुझे ध्यान नहीं कि कहाँ पे इस समय वो चौरसिया जी से, मैं पहले ही हमारे SDM को पहले ही टास्क दे चुका था कि इनके लिए जगह तय कर दो कि कहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा। गंडा कोट के बाद अगर आएंगे तो तुरंत हम इनकी रजिस्ट्री कराएंगे, कि मुझे इस बात का डर था। एक 9 साल का कलेक्टर, आप सोच सकते हो, 1993 में 9 साल की सर्विस में, मुझे इस बात का डर था कि शायद वो मुझे बोले और बोलने के बाद फिर गायब हो जाए, फिर कहाँ से इनको पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे। और हमें तो डिग्री कॉलेज बनाना था अपनी बेटियों के लिए। तो मैंने चौरसिया जी को बुलाया, चौरसिया जी आप ऐसा करिए, पैसे की व्यवस्था करिए, इनकी रजिस्ट्री आज ही करा दीजिए। उन्होंने कहा, साहब कैसे पॉसिबल है, पैसा लेके भाग गए तो? हमने कहा, गारंटी मैं देता हूँ, एक IAS अधिकारी हूँ, अगर भाग जाएंगे तो उतना पैसा मैं जमा करा दूंगा, लेकिन मैं इनको अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता। एक मौका मिला, अगर हम इसको सरकारी डिग्री कॉलेज बनाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। एक बड़ी संस्था है संत कीना राम, इतने बड़े अघोरेश्वर, जिनके बारे में बचपन में मेरे पिताजी उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे गांव में, उनके नाम पे कोई मेरे साथ न झूठ करेगा न फरेब करेगा, वो निश्चित तौर पे लौट के आएगा, आपका पूरा पैसा वापस होगा। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी, सरकारी खजाने से भी मैंने उसमें से पैसा जोड़ करके आपका रजिस्ट्री उसी समय अपने सामने करा दी। अगले दिन सवेरे फिर लौट करके आया गया सिंह, हिसाब रजिस्ट्री हो गई। आप तो कहते थे यहाँ तो सरकारी लोग कुछ करते नहीं, तो सब आपका हमारा काम सरकारी लोग करा दिया। मैंने, बिल्कुल नहीं, ये संत कीना राम जी की कृपा है और ये हो रहा हमारी बेटियों के लिए हो रहा है। हमने कहा, आगे का क्या सोचना? तो साहब अब हम कहाँ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? हमने कहा, इसके लिए क्या चाहिए? तो बोले, जगह चाहिए, और हमारी इच्छा है कि इसी साल से चालू करें। और मैं जून में आया था, जुलाई की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा, देखो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, यहाँ पे एक बगीचे में बहुत बड़ा बिल्डिंग पड़ी हुई है और बेकार की बिल्डिंग पड़ी हुई है, वहाँ एक कमरे में थोड़े मोड़े 4-6 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, बाकी सब बेकार पड़ा, वो ढह जाएगा, बेकार हो जाएगा, और वो डायट की बिल्डिंग थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी। मैंने कहा, उसको पूरा मैं आपको दे देता हूँ, आप वहीं पर चलाइए डिग्री कॉलेज, वहीं चलाइए, बच्चों का एडमिशन। उन्होंने कहा, साहब मान्यता भी चाहिए इसके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की भी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर की भी मान्यता चाहिए। मैंने कहा, वो भी मेरा जिम्मेदारी है, तो मैंने जिम्मेदारी ले ली है तो ये जिम्मेदारी मेरी है। और शायद आपको स्मरण नहीं होगा कि मैंने एक आदेश जारी किया कि आपको डायट में जब तक आपका विद्यालय महाविद्यालय की बिल्डिंग बन नहीं जाती तब तक के लिए मैं 1 रुपये के लीज पे मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, आप इसका उपयोग करिए और यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाइए। और चिट्ठी लिखवाया मैंने संत हमारे सुबोध नाथ झा साहब, हायर एजुकेशन के
सेक्रेटरी हुआ करते थे, सुबोध दास साहब को लिखवाया, डॉक्टर यूपी सिंह वाइस चांसलर हुआ करते थे पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के, उनको चिट्ठी लिखवाया कि हमारे इलाके में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ और केवल 2 डिग्री कॉलेज है, इतना बड़ा जो पूरे प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा था, और पिछड़ापन के दृष्टि से देखे जैसे तो यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी, जहाँ पे पावर प्लांट थे, जहाँ पे फैक्ट्री लगी थी, वहाँ तो बहुत ही रिच लोग थे जिनकी जिनकी आमदनी शायद दिल्ली के पास के आसपास के लोगों की आमदनी के बराबर हो, लेकिन बाकी इलाके में काफ़ी गरीबी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, हर तरह के से वहाँ पे पहुँच नहीं सकते थे। यहाँ पे जो हमारे पत्रकार बंद होंगे या पुराने लोग होंगे, आपको शायद ख्याल होगा कि मैं कितने जगह पैदल जाता था, कई जगह ट्रेन से जाता था, बहुत सारे साधन जो तमाम तरीके से जा करके हम लोग पहुँचते थे। आज तो बहुत विकास हो चुका 30 साल के बाद, तो ऐसे जगह पे मैंने सुबोधनाथ जी को भी लिखा और डॉक्टर यूपी सिंह को लिखा, और चिट्ठी लिखने के बाद मैंने उन्हें पत्र फोन से ही बात की, पता चला कि नहीं हो पा रहा, खुद पहुंच गया उनके पास। सुबोधनाथ झा साहब ने पूछा कि तुम क्यों आ गए यहाँ पे, हमने कहा कि सर ऐसा हमारा डिग्री कॉलेज की मान्यता है, आपके पास पड़ी हुई है, तो क्या तुमसे क्या लेना देना। मैंने कहा सर मैं जिले का जिलाधिकारी हूँ और जिलाधिकारी अभिभावक होता है सारे लोगों का, और मैं आपके बिहाफ पे जिले का काम कर रहा हूँ, हमारी बेटियाँ वहाँ पे नहीं पढ़ पाती हैं, अगर आपने ये मान्यता दे दी तो हमारी बेटियाँ पढ़ लेंगी। तो वो ना जाने कहा कि अब तुम्हें दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यूपी सिंह को 4 बार कम से कम मैंने कॉल किया होगा, 4 बार 5 बार, बोले साहब आप तो मैंने जिलाधिकारी देखा ही नहीं जो कि इस तरह से पीछे पड़ जाए। नतीजन उन्होंने भी वो कर दिया और मुझे ख्याल है 15-20 दिन या महीने भर के भीतर भीतर आपको मान्यता मिल गई और आपने एडमिशन करना चालू कर दिया। और जुलाई में ही जुलाई 1993 में आपका महाविद्यालय डायट के वहाँ पे कुछ रंगाई पुताई कुछ कुछ छोटे मोटे काम के हमने सब काम करा दो, जंगले टूट गए हैं, कहीं दरवाज़ा टूट गया उसको ठीक कराओ और करा के काम चालू कराओ, और 2 साल के भीतर भीतर अपनी बिल्डिंग बना के वहाँ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन 6-7 महीने के बाद मेरा किन्हीं कारणों से यहाँ पे जैसा एक प्रथा बन गई थी यहाँ पे कि 6 महीने ज़्यादा कोई कलेक्टर रहता नहीं था, तो मेरा भी ट्रांसफ़र यहाँ से लखनऊ हो गया। और लखनऊ में पहुंच करके मैं जब पहुंचा और हमारे जो उत्तराधिकारी बने उन्होंने डॉक्टर गया सिंह को बुला करके डांट लगाई कि सरकारी बिल्डिंग पे कैसे कब्जा कर लिए, डायट का भवन ये तो सरकारी है और आप तो प्राइवेट हो, आप सरकारी तो हो नहीं, तो कैसे कब्जा कर लिए। उन्होंने कहा आपको टाइम देता हूँ 15 दिन का, अगर खाली नहीं करोगे तो मैं FIR कर दूंगा और डॉक्टर गया सिंह जी आपको मैं जेल भेज दूंगा, कोई संत महात्मा कुछ नहीं होता, अब आप अपना व्यवस्था करो, किराए पे आप बिल्डिंग लो, नहीं लोगे तो फिर आपको जेल भेजूंगा। तब तक मैं मुझे ख्याल है अब मैं संयुक्त सचिव बन चुका था, क्योंकि पहले यहाँ से मैं गया 3 हफ्ते तक मेरी कोई पोस्टिंग नहीं थी, 3 हफ्ते के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई उसी के बाद आप आए और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी टूरिज्म था। गया सिंह जी परेशान होकर मेरे पास पहुँचे कि साहब आपने तो सब कुछ करा दिया, अब मैं जेल जाने की तैयारी में हूँ। मैंने कहा चलो सरकार में ऐसा ही होता है, जेल जाने की तैयारी हो, लेकिन मैं बच्चियों को ऐसे नहीं जाने दूंगा, और मैं इनको कहा कि ठीक है अब बैठो मेरे कमरे में, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। और मैं पहुँच गया, मुख्यमंत्री जी उस समय थे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके प्रमुख सचिव होते थे पुनिया साहब, पुनिया साहब के पास मैं पहुँच गया। मैंने कहा सर एक छोटी सी समस्या लेके आऊँगा, बताओ। हमने कहा सर ये डिग्री कॉलेज मैंने स्थापित करवाया था संत कीनाराम महाविद्यालय, और उस महाविद्यालय के लिए मैंने ही अलॉट किया था डायट का जो स्कूल अलॉट किया था, अब हमारे बाद वाले जो कलेक्टर साहब गए उनको जेल डालना चाहते हैं, तो बोले कि ये तो बहुत गलत काम है, तुमने गलत काम किया, सरकारी मकान को जो है दे दिया तुमने किसी प्राइवेट को, ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे खिलाफ एक्शन। उन्होंने हमने सर की आपको सोचना चाहिए जिस जिले के बारे में मैंने काम किया वो जिला कितना पिछड़ा हुआ है, अगर वहाँ से थोड़ी शिक्षा हो जाएगी तो हमारी बेटियाँ तो पढ़ करके बहुत योग्य बनेंगी, जिस घर में जाएंगी उसमें नई जनरेशन पैदा करेंगी जो पढ़े लिखे बड़े अच्छे लोग होंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और बाकी बच्चे भी जो पढ़ेंगे वो भी वहाँ की आर्थिक उन्नयन में भाग लेंगे। तो हमने जो काम किया गलत थी, और हमने सब आदेश में लिखा कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जो लोगों के जनहित में मेरा कुछ नहीं है,
ये सब कुछ मैं लोगों के हित में मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए किया है। उन्हें बात समझ में आई, उन्हें कहा फिर क्यों वो कर रहा है, उस किस प्रकार से कलेक्टर क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा सर यही तो मैं आपके पास पूछने आया हूँ कि वो कलेक्टर साहब उनको तो जेल भेजने जा रहे हैं, डॉक्टर कियासी मेरे कमरे में बैठे हैं, आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं, वो परेशान है कि वो जेल जाए कि कॉलेज बंद करें, क्योंकि उनको इतना तो जगह मिलेगी नहीं। रॉबर्ट्सगंज में है क्या, वो छोटा सा रॉबर्ट्सगंज हुआ करता था, चूर छोटा सा होता था, कहाँ पर पढ़ाएंगे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को। उन्होंने तुरंत मेरे सामने फ़ोन उठाया, जिलाधिकारी से बोला कि भाई ये क्या बात है, तुम इनके खिलाफ़ FIR करने के लिए तुम इनको धमकी दिए हो। कहा साहब उसने सरकारी ज़मीन पे, सरकारी मकान पे कब्जा कर लिया है, और सरकारी मकान पे प्राइवेट आदमी कब्जा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा मालूम है वो कि कब्जा किसने दिया है, उसने खुद तो कब्जा किया नहीं, कब्जा किसने दिया। तो बोला साहब हमारे पहले वाले कलेक्टर साहब से कोई नियम कानून मानते नहीं थे, उन्होंने कब्जा दिया है। तो बोले नहीं वो नियम कानून नहीं, बल्कि वो लोगों का हित चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, तुम वहाँ पे गए हो, सरकारी तरीके को, तौर तरीके को समय के हिसाब से देखा करो, समझा करो। वो कलेक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, और अगर तुम आगे वहाँ पे रहना चाहते हो तो तुरंत इस बात को ख़त्म करो, और नहीं तो कल मैं आदेश करता हूँ आप वापस लौटो। मैं प्रणाम करता हूँ पुनिया साहब को, उसके नाते डॉक्टर सिंह गया सिंह गए और निर्भय होकर के उन्होंने डिग्री कॉलेज चलाया। उसके बाद वाले किसी ने इनके ऊपर कोई इस प्रकार का ऐसा कोई हथियार या इस प्रकार का कोई ऐसा भयातुर इन्हें नहीं किया, जिसके नाते वो डिग्री कॉलेज चलाए और आज आपको इस रूप में देख करके, वो मैंने कहा जो एक किसान के बच्चे को जो एक अपनी फसल देख के नज़र आती है, मेरी कल्पना भी नहीं थी कि इतनी बढ़िया। मैंने तो सोचा था बेटियों को मैं पढ़ने की व्यवस्था करूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज महिला महाविद्यालय आपने स्थापना की, और पता नहीं 1800, मुझे गोपाल सिंह जी बता रहे थे कि 1800 बच्चियों को वहां पढ़ाएंगे। इन बच्चियों का यहां पे जो हमने कल्चरल प्रोग्राम देखा, मैं हर प्रोग्राम को देख के इतनी खुशी हो रही थी, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर गया सिंह जी, बाबा संत कीनाराम का आपको तो बहुत आशीर्वाद है, कभी मैं आपके साथ, मैंने संत कीनाराम जी की जो वहाँ पे आश्रम है मैंने बनारस में देखा, उनकी बड़ी कृपा है, आपने ये बहुत बड़ा काम आपको आपके माध्यम दिया, और मैं केवल इस पूरे कार्य के वो बाबा का जो आशीर्वाद था उसका केवल संवाहक बना, मैं केवल एक मीडिया बना इस कार्य को कराने के लिए। ये तो बाबा की इच्छा थी कि हमने जहाँ तपस्या की वहाँ से शिक्षा का जो अशिक्षा का जो वातावरण है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इतना बड़ा कॉलेज आपने बनाया जहाँ पे लॉ फैकल्टी भी है, जहाँ पे साइंस भी है, आर्ट भी है, वो अभी न केवल डिग्री कॉलेज बल्कि पोस्ट डिग्री, यहाँ पे स्नातकोत्तर की भी डिग्रियाँ दी जाती हैं, यहाँ पे इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी चीज़ करती है, मेरे लिए कल्पना के बाहर है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ वो मेरी प्रशंसा बहुत 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 कम है। आपके लिए मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ कि बाबा के कारण आज इतना बड़ा चीज़ यहाँ पे आपने बना दिया, मैं केवल उसका एक संवाहक मात्र हूँ, मात्र उसको मदद करने के लिए मुझे उन्होंने चुना। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये उनकी दी हुई आशीर्वाद था कि मेरे मन में ये बात आई, और आज पूरी बात पूरी तरह से यहाँ पे साबित हो गई। यहाँ कहीं एक सुधीर मिश्रा जी होंगे, ये देखिए मेरे सामने खड़े हैं, ये मुझसे लखनऊ में मिले एक बार, मुझे ख्याल है लखनऊ या दिल्ली मिले, मुझे ध्यान नहीं, दिल्ली में मिले जब मैं भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था। हम इससे मिले और मिलकर के बताया कि मैं वहाँ पे या मुझे अभी भी ये भी ध्यान नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे या डिफेंस सेक्रेटरी था, मुझसे मिले थे दिल्ली में, और मिलके इन्होंने बताया कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है, आजमगढ़ के बहुत सारे लोग हैं, मैं भी आजमगढ़ का पुराना था और आज मैं मऊ का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ, देश का नागरिक हूँ। लेकिन अच्छी बात उन्होंने बताई कि मैं सोनभद्र में जहाँ पे आपने एक डिग्री कॉलेज बनाया था, वहाँ के घोरावल क्षेत्र में मैंने भी एक डिग्री कॉलेज बनाया है, और वहाँ पे तमाम सारे बच्चों को निःशुल्क, जो हमारे गरीब बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि मैं कह नहीं सकता। सुधीर जी आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की हुई जब मैंने उनको बताया कि देखिए, मैं उस समय 1993 में जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा जिला केवल 2 डिग्री कॉलेज, कैसे काम होगा बच्चों का,
और उसके लिए आगे बढ़कर के संत कीना राम जी के नाम पे डॉक्टर गया सिंह ने किया और आपने पता नहीं किसकी प्रेरणा से किया। मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद भी देता हूँ, मुझसे छोटे हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस संकल्प को लिए हैं वो संकल्प सिद्ध हो और हमारा ये सोनभद्र जनपद जो कि हमारे जनपद का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, अब तो बताया मुझे कलेक्टर साहब ने कि इसकी आबादी आज 21-22 लाख की आबादी हो चुकी है, उतने लोगों को सर्व कर सके आप दोनों लोगों को। भी देखिए शिक्षा एक बेसिक चीज है, बैठिए, शिक्षा एक बुनियादी चीज है, हर आदमी को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षित होकर के अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक बेस्ट करने का उसको अधिकार है। वो अधिकार मिले इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपने सुना होगा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले बार एक अभूतपूर्व परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था, बहुत पहले कई सारी शिक्षा नीतियां आई लेकिन जो हमारी 2020 की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, एक अभूतपूर्व, एक परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल एक नीति बनकर के आई कि जिसके माध्यम से कैसे हम हर बच्चे में जो उसकी एक क्षमता है, जैसे एक छोटा सा जो बीज होता है, आज आधी आपने यहाँ से मुझे बरगद का वृक्ष लगाया जो कि साक्षात भगवान का रूप होता है, एक बरगद का जो अगर बीज आप देखें तो छोटा सा बीज होता है, उससे इतना बड़ा, इतना व्यापक वृक्ष बनकर के तैयार हो सकता है। तो हर बच्चे में वो ताकत है कि वो कब वृक्ष का, किस वट वृक्ष का रूप ले लेगा और उसको वट वृक्ष बनाने के लिए उसके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और अच्छी शिक्षा, अगर ये तीन बातें मिले और साथ ही साथ जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे देश की ताकत सनातन संस्कृति की है, वो हमारा संस्कार, जिसको आपने अभी हमें भगवान राम का दरबार दिया, तो भगवान राम का दरबार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो है, जो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम हर मर्यादाओं को एक अच्छे बच्चे के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे सहयोगी के रूप में, एक अच्छे राजा के रूप में, हर तरह उन्होंने तमाम सारी मर्यादाएं जो हमने स्थापित की हमारे देश में, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम लोग वंशज हैं और उस मर्यादा के जो संस्कार हैं वो हमें अगर संस्कारित हो तो आज जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश को पिछले 9-1 साल से इतनी तेजी से परिवर्तन कर रहे हैं, इतनी तेजी से हमारे देश में तमाम सारे हर क्षेत्र में, आप किसी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, लोगों के सुख सुविधाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर एक को इतना मौका मिले कि जिससे वो अपनी क्षमताओं का हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सके और हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था को लेकर के आगे चल जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो उसमें संभावना है और उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारा देश, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा 15 अगस्त 2022 को, और नहीं सुना होगा तो आप मिस करेंगे, मैं कहूँगा यूट्यूब पे वो पूरी की पूरी स्पीच, पूरा का पूरा उनका राष्ट्र को संबोधन है, वो संबोधन यूट्यूब उपलब्ध है, आप उसे आज भी सुन सकते हैं, पहले सुन रखा होगा आप दोबारा सुन सकते हैं, कैसे उन्होंने कहा कि हमारे देश में पंच प्रण के माध्यम से हम अपने देश को जब आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे 15 अगस्त 2047 को, तो हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, एक विकसित राष्ट्र होने के लिए क्या जरूरतें, उन सारी जरूरतों को हम पूरी कर चुके होंगे। उस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए हर एक की, जो पंच प्रण की बात की, हम हर एक की जिम्मेदारी है और हम उस रास्ते पर बहुत तेजी से निकल चुके हैं, उसमें हर एक को अपना अपना योगदान देना, विकसित राष्ट्र के लिए विकसित प्रदेश होना चाहिए, विकसित प्रदेश के लिए विकसित जनपद होना चाहिए, विकसित जनपद के लिए विकसित नगर होना चाहिए, विकसित गांव होना चाहिए, और वो हर एक की जिम्मेदारी है। आपको ऐसा माहौल मिला हुआ, अभी मैं सोनभद्र जनपद के सारे अधिकारियों की समीक्षा कर रहा था, उन्हें इसी बात को उनसे मैंने अपेक्षा की कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है अपने देश को, 2047 बहुत दूर है, हम उसके पहले देश को विकसित कर सकते हैं और विकसित करने के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए हर कोई को पूरी क्षमता के हिसाब से करेंगे तो देखिए कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार हमारा देश ही है, जिस देश के बारे में पहले अगर आप देखें, ज़्यादा नहीं 500 साल पहले जाइए,
600 साल पहले जाइए, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हमारे देश में हुआ करता था। लेकिन देश में गुलामी के माध्यम से जो गुलामी के तमाम सारी चीजें, इसके बारे में पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुलामी की हर चीजों को हमें समूल नष्ट कर देना है, जो भी उसके संकेत है, जो भी हमारे मनोभावना उसको नष्ट कर देना है। तो उस गुलामी के नाते हम सब इतने ज्यादा पिछड़ गए, आज हम अर्थव्यवस्था में कितना पीछे हो गए। लेकिन एक बार दोबारा जो एक उन्होंने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा अगले 5 साल में, और उसके ऊपर हम सारे के सारे लोग, हम की जब मैं बात करता हूँ क्यों सरकार नहीं, सारे के सारे लोग, हम सभी लोग लगे हुए हैं कि हम अपने प्रदेश की जो हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसको हम लोग 4 गुना आज $250 बिलियन से बढ़ा करके $1 ट्रिलियन से ऊपर ले जाएंगे अगले 5 साल में, वो हम सब योगदान करेंगे। इसको करके हमारे लोगों की आमदनी कितनी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ जाएगी, कितनी खुशहाली आ जाएगी, आप सोच सकते हैं। और वो करने के लिए गांव-गांव को, नगर नगर को हमें विकसित करना है। ये कितना बड़ा सौभाग्य आज हमारे देश के लिए कि हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। G20 यानी दुनिया की वो 20 सबसे बड़ी ताकतें जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 75% कंट्रोल करती हैं, वो ताकतें जो दुनिया की करीब 85% ट्रेड को कंट्रोल करती हैं, ऐसी ताकतों का नेतृत्व आज हमारे देश को मिला है, उसका गौरव मिला है। आज जब वो पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हिंदुस्तान बदल रहा है, कैसे हिंदुस्तान का कायाकल्प हो रहा है, तो उस कायाकल्प को जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें हम सबका योगदान है, हमें उनसे सीखना है। अभी इसका जैसे लखनऊ में भी होने जा रहा, आगरा में उनके हमारे प्रदेश को इस बात को करीब हमारे यहाँ 11 इनके मीटिंग्स होंगी, इन देशों के तमाम सारे जो उनके विद्वानगण हैं, उनके जो मंत्री या उनके अधिकारी, ये सब तमाम लोग आएंगे, हमारे 11 ऐसी बैठकें होंगी। आपके बगल में बनारस में भी 5-5 बैठकें होंगी, जिसकी पहली बैठक अप्रैल के महीने में होगी। मैं कहूँगा आप उसके साथ जुड़िए, जुड़ करके देखिए कि दुनिया में जो काम किया, क्या हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, उनसे सीख करके। आज तो आपको देख करके डॉक्टर गया सिंह जी, मुझे इतनी खुशी है कि अगर आप इतना तेजी से काम कर सकते हैं, हमारा हर नागरिक उतनी तेजी से काम कर सकता है, हर कोई उतना अच्छा काम कर सकता है। केवल सोचने की बात है, एक संकल्प लेने की बात है। आप संकल्प लेंगे तो संकल्प से सिद्धि तो स्वतः मिलेगी। आज संकल्प का ही प्रतिरूप है कि आज पूरा देश स्वच्छता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्वच्छ तो हो ही गए हम, एक स्वच्छता की पराकाष्ठा, एक हाईएस्ट लेवल की जो क्लीननेस, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, करने के लिए ये इसी की बात है। कोई सोच नहीं सकता था कि हर घर को मकान मिलेगा। आज हर घर को मकान, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, 3 करोड़ मकान, आप सोच सकते हैं कि जो असंभव चीजें थी, असंभव चीजें संभव हो सकी। मैं भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी था, जब मुझे 1 करोड़ से ज्यादा शहरी मकान बनाने थे, हमारे लोग कह रहे थे कैसे संभव होगा। हमने कहा होगा, संभव होगा, हमें हमारे ऊपर एक ये लक्ष्य दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनकी जो आभा, उनकी जो ताकत है, उनके रास्ते पर चल के हम पूरा करेंगे। और आज 92 लाख से ज़्यादा मकान पे काम चल रहे हैं, करीब 70 लाख मकान लोगों को दे चुके हैं। और मकान वो नहीं जो केवल 4 दीवारियाँ हैं, जिसमें पानी है, बिजली है, गैस का चूल्हा है, शौचालय है, यानी हर वो चीज़ें हैं जो कि एक आदमी के विकास के लिए आवश्यक है। इस देश में हर कोई के घर में बिजली पहुँच चुकी है, हर कोई के यहाँ सड़क की व्यवस्था हो चुकी है, हर एक को स्वास्थ्य की सुविधा। आयुष्मान भारत, मैंने अपने अधिकारियों से आज बात की कि आपको जो भी बचे हुए हैं, हर एक को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाना चाहिए, ताकि उसकी जो जिंदगी, जो बीमारी तो किसी को लग सकती है, हमको आपको किसी को लग सकती है, लेकिन बीमारी से इम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए, उससे गरीबी नहीं आनी चाहिए। वो जाए और जाकर के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराए, और उसकी सरकार ने उसका इंश्योरेंस कराए, उसका लाभ ले सके। ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो देश में अकल्पनीय है, आज से कुछ साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। और इस बात को जो सबसे बड़ी दुनिया की त्रासदी COVID-19 आई, जिसने दुनिया के तमाम सारे विकसित देशों को नेस्तांबूत कर दिया, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी जो मेडिकल, जो उनकी जो चिकित्सीय व्यवस्था को नेस्तांबूत कर दिया, तोड़ करके चकनाचूर कर दिया, हमारा देश उसमें से बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर के बहुत तेजी से आगे निकला। आज भी देश की अर्थव्यवस्था का जो हमारी गति है 7% की है, हमारे प्रदेश की जो गति है 8% की है, और हम इसे और तेज बढ़ाने जा रहे हैं। जितने सारे कार्यक्रम जो अभी आपको मालूम होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है 10 से 12 फरवरी के बीच में,
उसमें हमारे प्रदेश में 20 लाख करोड़ से ज़्यादा 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के लोगों ने एमओयू साइन किए दुनिया भर से और देश भर से। आपके जनपद मुख्यालय पर भी यहाँ पे भी 10 तारीख को होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे 10 तारीख को सारे के सारे लोग सुनेंगे। और यहाँ भी जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, वो यहाँ पे इस प्रकार के इन्वेस्टर समिट में वहाँ पे कैसे हम सोनभद्र को आगे बढ़ाएंगे निवेशों के माध्यम से, ऐसे बहुते उपाय हो रहे हैं। तो हम तो एक विकास की धारा में आगे बढ़ रहे हैं और इस विकास की धारा में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जब हम नीचे होते हैं तो हमें तेज चलना पड़ता है, जब हम पीछे होते हैं तो हमें स्प्रिंट करना पड़ता है, हमें तेजी से दौड़ना पड़ता है। आप अगर आगे होंगे तो धीरे धीरे भी चलेंगे तो आप रास्ता तय कर सकते हैं। हमारे सामने लक्ष्य बड़े बड़े हैं, लेकिन लक्ष्य कोई भी असंभव नहीं है। मैंने उन सारे लक्ष्यों को होते हुए देखा है, स्वयं उसका भाग होकर के, जैसे मुझे अभी यहाँ पे मुझे ये पहनाने जा रहे थे डॉक्टर गोपाल सिंह जी पहनाए, मैंने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं इसको पहनूंगा मैं और कहीं नहीं पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे एक हम कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं, ये कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जो अपने एक एक्स्ट्रा जो हम उसको कूड़े का भार बढ़ा रहे हैं। इससे न हमारी पहचान बनती है ना आपकी पहचान बनती है, ये केवल कूड़े का एक वजन बढ़ता है। और हमने सीखा है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन सीखा नहीं है, हमने जिया है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें हमने सीखा है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल, जो चीज़ें अनावश्यक उसे नहीं करना, जिससे आप कूड़ा तो पैदा हर कोई करेगा, और कूड़े का हमको ट्रीटमेंट, ये तो नेचर से हमने सीखा है कैसे साइक्लिक व्यवस्था के माध्यम से हम चीज़ों को चक्र के माध्यम से कैसे समाप्त कर सकते हैं। कूड़ा पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है, लेकिन जहाँ संभव हो वहाँ पर हम नए कूड़े नहीं पैदा करेंगे। और ये केवल नया कूड़ा पैदा, मैं तो आप सारे लोगों से यहाँ पे तमाम सारे सम्मानित नागरिक, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों में यह संस्कार डालिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये तो बात की चीज़ें हमने पैदा की है, भारतीय संस्कार हमारा है, हम कूड़ा कम से कम पैदा करते हैं। आपको मालूम है कि एक ही कपड़े से पहले वो कपड़ा पहनते हैं, फिर उसको काट करके पायजामा का जंघिया बना देते हैं, जंघिया के बाद उसका कुछ झोला बना देते हैं, झोला बना के उसको गुदड़ी में डाल देते हैं, ये हमारी संस्कृति, हम रिड्यूस करते हैं कूड़े को, रिड्यूस करते हैं, हमारी ये भारतीय संस्कृति है और मैंने इस पर पूरी पूरी किताब बनाई हुई। लेकिन हम चूंकि अपने आप को भूल गए उस गुलामी के चक्कर में, इसलिए हम अपने आप से दूर हो गए। तो ऐसी जो तमाम सारी चीज़ें, जो व्यवहारिक जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं, और ये सब शिक्षा का भाग है और ये सब आवश्यक है हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। जब हमारा देश एक विकसित देश होगा, आप सारे लोग एक विकसित देश के जब नागरिक होंगे, आप देखोगे कि आपका किस प्रकार से रहन सहन चाल चल सब सारी की सारी चीज़ें कैसे परिवर्तित हो जाएगी। मैंने तमाम सारे देशों में जाके रहा है, देखा है, पढ़ा है, जैसे पढ़ाई मैंने की है ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई की है, मैंने हॉलैंड में जा कर के पढ़ाई की है, अमेरिका में पढ़ाई की है, यूके में पढ़ाई की है, मैंने बहुत सारे जगह जा कर देखा है कि कैसे वहाँ पर लोग लंबे समय रहे, पढ़ाई का मतलब कि मैं लंबे समय जा कर के वहाँ रहा हूँ, और उन देशों के देखा कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं। तो हमारे साथ एक तरफ वो भारतीयता का संस्कार है, भारतीय मर्यादा पुरुषोत्तम के वो जो के जो तमाम सारी बातें हैं, और साथ ही साथ जो हमारी विकास की आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी पूरी होती नज़र आएंगी। तो हम सब उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और इसको पूरा करने के लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि हर एक को अपना अपना योगदान देना है। अगर आप शिक्षाविद हैं तो शिक्षा में योगदान दें, आप अगर मजदूर हैं तो मजदूर में योगदान दें, अगर आप सरकारी सेवक हैं तो सरकारी सेवक के रूप में योगदान दें। आप जहाँ पे हैं अपनी जगह पे सोचिए कि हम क्या करें कि हम इस जो इतना बड़ा महायज्ञ चलने वाला है पूरे देश का, जो चल रहा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के संबोधन में उन्होंने कहा कि ये अमृत काल की प्रथम बेला है, यानी अमृत काल का प्रारंभ हो गया 25 साल के लिए, उसमें हम एक को हर नागरिक को आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। मैं उसी के उसका उनकी बात को एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हम कैसे सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव की मूल कविता तो बंगाली में, मैं आपको उसको हिंदी में उसको संक्षेप में बताऊँगा। गुरुदेव की ये प्रेरणादायी कविता है, डूबते हुए सूरज ने
सारी दुनिया से पूछा कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। आप जानते हो कि जब सूरज उगता है तो पूरी दुनिया जो है रोशन हो जाती है, और जब सूरज डूबता है तो पूरी दुनिया अंधकार में, घोर अंधकार में डूब जाती है। अब कौन करेगा सूरज का काम? डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत और अस्तब्ध रह गई, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कौन सूरज का रूप ले सकेगा। तब एक छोटे से मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिया ने हाथ जोड़कर बोला, मैं करूंगा मेरे आका जो मुझसे संभव होगा। आप सोचिए, एक छोटा सा मिट्टी का टिमटिमाता हुआ दिया, जिसकी जिंदगी में भी हो सकता है वो अगले एक घंटे के लिए जल सकता, इतना तेल या घी उसमें होगा कि एक घंटे जल सकता है, लेकिन उस एक घंटे के लिए चाहे उसकी रोशनी का परिधि एक मीटर की हो या दो मीटर की हो या पाँच मीटर की हो, उस पाँच मीटर की परिधि का वही सूरज है, वही वो सूरज है जो अपने उस परिधि को पूरा का पूरा जब तक जलेगा तब तक उसको रोशन रखेगा, अंधकार नहीं होने देगा। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश को $5 trillion इकोनॉमी बनाने को, देश को एक विकसित देश बनाने के लिए, उस आह्वान को पूरा करने के लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का लक्ष्य रखा है, इस हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था को $1 trillion इकोनॉमी ले जाने का लक्ष्य रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर नागरिक को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है जिससे उसको अपनी क्षमताओं के मुताबिक वो बेस्ट से बेस्ट कर सके, ब्रिंगिंग ईज इन द लाइफ, जिंदगी आसान हो सके, इसका जो लक्ष्य रखा है। ये कार्य करने के लिए आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनने की जरूरत है, आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बनने की जरूरत नहीं। आप जहाँ पे हैं उस जगह पे भी, उस जगह के ही आप माननीय मोदी हैं, उस जगह के ही आप माननीय योगी हैं, और जिस दिन आप में ये भावनाएं हो जाएगी, इनफैक्ट मुझे ख्याल है जब हमारे स्वच्छ भारत मिशन का एक साल पूरा हुआ था और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे विज्ञान भवन में संबोधन हुआ था, उन्होंने पहले साल की इससे संगोष्ठी हुई थी, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, उसमें मैंने बहुत सारी बातें, वो तो जो जो बातें कहते हैं हर बात आपको नोट करने वाली आपके लिए प्रेरणादायी होती है, लेकिन एक बात मेरे मन में घर कर गई जिसको मैंने तमाम समय उसका उपयोग किया। उन्होंने कहा था कि चाहे आप जानते हैं कि उनका जो सपना था वो गांधी जी का सपना था, चाहे सैकड़ों गांधी हो जाए, हजारों मोदी हो जाए, लेकिन हमारा देश साफ नहीं हो सकता है। लेकिन जिस दिन हमारे देश की करोड़ों जनता, जो 125 करोड़ जनता, ये तय कर ले कि हमें स्वच्छ रहना है, हमें अपने घर को, अपने नगर को, अपने सड़क को, अपने कार्यालय को, अपने जो कार्यस्थान को उसको स्वच्छ रखना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती, हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। यही भावना है हमारे इस राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की उस कविता में, और इसी भाव के साथ मैं आप सबको आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और एक बार दोबारा गया सिंह जी को मैं प्रणाम करूंगा, गोपाल सिंह जी को प्रणाम करूंगा, सुधीर जी को मैं प्रणाम करूंगा इस अच्छे कार्य के लिए, और अपनी वाणी को विराम दूंगा। अघोरेश्वर संत कीनाराम जी के चरणों में वंदन स्मरण, जो हर समय स्मरण कर सकते हैं, उनको आप सबकी तरफ से अपने तरफ से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तो मैं करूँगा, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं करूँगा ऑलरेडी करके निर्णय कर, ठीक है। थैंक यू। अब मुझे तुरंत निकलना होगा, मेरी समय की सीमा है, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, आपके कार्यक्रम को आप लोग आनंदित हों, मुझे तुरंत निकलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, द मैनेजमेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर फीलिंग एक्सट्रीमली